तो हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जाने वाले हैं विली आइलैंड में, क्या कहते हैं आइलैंड में, और मुझे नहीं पता कि यहाँ पे क्या क्या होने वाला है। पिछले बार के इवेंट में मुझे पता था, इस बार के नहीं पता। एक मिनट, इसमें भी कोई ग्लिच तो नहीं है, पहले देख लेते हैं। डायमंड हॉर्न, डेथ रिप्टिड, चलो नो प्रॉब्लम, इससे भी टॉक कर लेते हैं। अल्टीमेट इवॉल्व, इट साउंड्स अमेजिंग। डायमंड हॉर्न इज अबाउट टू अपेयर बट इट आल्सो अट्रैक्ट्स ए लॉट ऑफ एनिमी टू कम, होप आवर एल्डर कैन प्रोटेक्ट इट फ्रॉम बींग स्टोलन। एक मिनट, होप आई कैन इवॉल्व फास्टर सो आई कैन मेक यूज ऑफ द डायमंड हॉर्न। और ये क्या कह रहा है, डायमंड हॉर्न कैन हेल्प अस टू इवॉल्व इवन फर्दर थैन आवर नेचुरल फाइनल फॉर्म। यार मेरे पास तो विल्ली है ही नहीं, तो मैं लाऊं कहाँ से बताओ। तो मुझे इलेक्ट्रिक टाइप मॉन्स्टर लाना था यार। अच्छा होता अगर मैं अपना फियोसनिक्स ला लेता तो। अच्छा होता कि मैं अपना फियोसनिक्स ला लेता, ये तो बिना काम का चिकलैक है। इसमें हल्का सा भी दम नहीं है इस चिकलैक में। अच्छा हुआ कि मैं अपने साथ थंडर स्टॉर्म लाया हूँ, बट ये भी कोई काम का नहीं होगा शायद से। मेरा बहुत सारा पीपी पोशन वेस्ट हो जाएगा। एक मिनट, मैं अपना पोशन वेस्ट नहीं करना चाहता, मैं थंडर स्टॉर्म का यूज कर लेता हूँ। थंडर स्टॉर्म का अटैक भी ठीक ठाक है, इसलिए ये इसे हरा देगा एक ही बार में। अपना थंडर स्टॉर्म सबसे अच्छा है। यार लेकिन ये भी तो बात है, मैं थंडरस्टॉर्म को फिर अरीना नहीं ले पाऊंगा और मुझे लेवल अप करना पड़ेगा। दो ही क्रिस्टल्स, मजाक चल रहा है क्या भाई। सबसे अच्छा फियोनिक्स माउंटेन है, क्योंकि उसमें फियोनिक्स फेदर पाना बहुत आसान है। बहुत आसान नहीं है, बहुत सारे वाटर बॉल भी वेस्ट होते हैं। यार देखो, मैंने देखा नहीं कि ये इलेक्ट्रिक टाइप मॉन्स्टर है यार। दोस्तों मैं अपना Q&A वीडियो आज रात तक अपलोड कर दूंगा। मैं आज शाम 5 बजे तक का वेट करूंगा। आज शाम 5 बजे जितने भी कमेंट्स आप कहेंगे मैं उन्हें अपने Q&A में पिक करूंगा। 5 बजे नहीं, 3 बजे तक। 5 बजे बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आज 3 बजे तक जितने कमेंट्स करने हैं कर लीजिए इस वीडियो में, और जो मेरा Q&A वाला वीडियो है उसमें भी, दोनों से मैं कमेंट लूँगा। आज 3 बजे से पहले
यार 82 लेवल, मजाक चल रहा है भाई, 82 लेवल। यहाँ पे सबसे अच्छा फॉरवर्ड करके अपना अटैक बढ़ाओ, एक बार में कोई भी फिनिश हो जाएगा। मेरे थंडरस्टॉर्म का बहुत ज्यादा लेवल अप होने वाला है इस बार। क्या बात है, इसे स्पार्क कैनन भी आता है जेली स्टिंग्स को, तो फिर मैं इसका लेवल अप भी कर दूंगा जेली स्टिंग्स का। जो भी कहो, थंडरस्टॉर्म मेरा फेवरेट ड्रैगन टाइप मॉन्स्टर है। चार हॉर्न शेल मिला हमें, देखो अब साइकिल टाइप मॉन्स्टर ये लोग देने लगे। कोई दिक्कत नहीं, इन्हें भी आसानी से उड़ा देंगे। दोस्तों मैंने टॉयजलैंड को मिस कर दिया था क्योंकि मैं उस वक्त माइनक्राफ्ट खेल रहा था, बट मैं इसे बिल्कुल नहीं मिस करूंगा। यार तू साइको शील्ड क्यों कर लेता है यार, बता मुझे। चलो अच्छा हुआ इसका शील्ड टूट गया। देखो ये कितना, मुझे अब गुस्सा आ रहा है, सच कह रहा हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। शील्ड ही कर तू, सिर्फ शील्ड ही कर, टैक व टैक तो कुछ आता नहीं है, सिर्फ शील्ड ही कर। बस ये अटैक मिस ना हो। कोई दिक्कत नहीं, रिवाइव दे देते हैं इसे। वैसे यार बताओ मुझे, फुल एचपी वाली देने की क्या जरूरत थी, गलती से टैप हो गया जोश में, क्या करूं। दो सौ 215 अटैक है इसका, क्या बात है। पांच हॉर्न शेल मिले हमें, 14 हॉर्न शेड है अभी हमारे पास, और पता नहीं लास्ट वाले के पास कितना लेवल का होगा। 100 लेवल, ओ माय गॉड। एक तो ये क्वैकी का डिफेंस भी बहुत ज्यादा होता है, और ऊपर से ये कमबख्त। यार मैंने इस बार गलती से गलत टीम ला ली, मुझे लाना चाहिए था फियोसनिक्स को भी।
थंडरस्टॉर्म को तो ये एक ही अटैक में फिनिश कर देगा शायद से। चलो नहीं कर पाया, अब तू एक बार में गया भाई, क्योंकि अब मेरा थंडरस्टॉर्म एंग्री हो चुका है। अब मेरे थंडरस्टॉर्म का नाम एंग्री स्टॉर्म हो चुका है, सॉरी क्रेजी स्टॉर्म हो चुका है अब इसका नाम। इसकी एचपी तो देखो क्लाउन फ्रॉग की, कर लो जितना अटैक करना है कर लो, हारना तो तुम्हें है ही इस बार। बिकॉज माई थंडरस्टॉर्म इज एंग्री नाउ। मैंने गलती से ये टीम चूज करके ला ली, मैंने सोचा कि यहाँ पे लैंड टाइप मॉन्स्टर्स मिलेंगे। अब इस बार ये शील्ड करेगा तो मैं इसको, चलो नहीं किया, इस बार शील्ड नहीं किया इसने, अच्छी बात है। ये थंडरस्टॉर्म तो कमाल का मॉन्स्टर है भाई, ड्रैगन रश इसका न्यू अटैक, बट मैं इसे नहीं सिखाऊंगा। इसका अटैक बहुत ज़्यादा हो चुका है, एक सौ चार लेवल। ओ माय गॉड, मैं इसे कैसे हराऊं, किस मुंह से हराऊं यार मैं इसे, बताओ। मुझे इसके सामने गिव अप करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आइस टाइप मॉन्स्टर लाया ही नहीं हूँ, ना चाहते हुए भी मुझे गिव अप करना पड़ेगा। जितना जल्दी भागू उसी में भलाई है। जितना जल्दी भागना चाहिए उतना ही अच्छा है, क्योंकि मैं आइस टाइप मॉन्स्टर तो लाया नहीं हूँ। तो ओके दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डोंट लीव ए कमेंट, इस वीडियो में आपको कमेंट करना है, क्योंकि मैं इस वीडियो पर भी कमेंट को क्यों नहीं मिलूँगा। और अगर आप इस शार्क को हरा देते हैं, इस शार्क को, तो आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा मिल जाएगा, क्या कहते हैं, हॉर्न शेड, सॉरी ये हॉर्न शेड नहीं है, डायरेक्ट आपको इसका मिल जाएगा। आई होप आप इसे हरा देंगे और आसानी से इसे ले लेंगे। God bless you all friends. Jai Hind. Thanks for watching.